एंड वैल्यूएशन चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि गुडविल क्या होता है। देखो हम पहले भी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में भी, गुडविल कोई भी नाम जो बिजनेस अर्न करती है, कमाती है, तो आप कह सकते हो कि गुडविल इज अ गुड नेम और रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म। जब भी कोई फर्म अपना नाम कमा लेता है या रेपुटेशन बना लेता है मार्केट में, तो उससे जो कमाई होती है वो गुडविल होती है, उसी को हम गुडविल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप जाते हो कभी भी दुकान में सामान खरीदने के लिए, तो आप क्योंकि आप पहले भी खरीद चुके होते हो और उसका अच्छा नाम होता है, आप उससे इंप्रेस होते हैं पहले, तो इसीलिए आप उस दुकान पे जाते हो या किसी से नाम सुना होता है इसीलिए आप जाते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको हम गुडविल कहते हैं। दूसरी बात बोला है कि इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। देखो ये पहली बात तो ये है कि गुडविल एसेट होता है और इसको हम इंटेंजिबल एसेट मानते हैं। इंटेंजिबल एसेट क्यों मानते हैं, क्योंकि ये हमें ना एक तरह से दिखाई नहीं देता लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जैसे अग्रवाल स्वीट्स पे जाते हो मिठाई लेने, स्वीट्स लेने, तो ये इंटेंजिबल एसेट है। मतलब आपने सुन रखा है दोस्तों से या कभी पहले खा रखा है तो आपको पता है कि उसकी स्वीट्स अच्छी होंगी। ठीक है, तो ये इंटेंजिबल है, दिखाई तो नहीं देता लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं। तीसरा है, इट इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस ओवर एंड अबाउट द वैल्यू ऑफ एन एसेट। जितने भी बिजनेस की कीमत होती है, एक्चुअल में उसकी जो वैल्यू होती है उससे एक्स्ट्रा जो उसकी वैल्यू हो जाती है उसी को हम गुडविल कहते हैं। जैसे मान लो एक बिजनेस है, उसकी असली में कीमत 1 करोड़ की है, 1 करोड़ उसकी असली कीमत है सारे एसेट्स वगैरह जब इन सब मिला के, लेकिन अगर हम उसको कोई बेचेगा, कोई खरीदना चाहेगा, जैसे सपोज करो मैं नजफगढ़ में एक बहुत बड़ी दुकान है उसको खरीदना चाहता हूँ, तो एक्चुअल में उस जमीन की जो वैल्यू होगी हो सकती है 1 करोड़ हो, लेकिन वो मेरे को हो सकता है बोलेगा कि 1.5 करोड़ में बेचूंगा। तो ये जो 50 लाख फालतू में जो बेच रहा है दैट इज गुडविल। तो आप कह सकते हो कि जो एक्चुअल में जो बिजनेस की वैल्यू है अगर उससे ज्यादा वैल्यू लगाई जाए तो दैट इज नोन एज गुडविल। फिर एक और है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। देखो जो हम लोगों ने खरीदा है, जितने में हमारा जो परचेज प्राइस का मतलब है जो खरीदने वाला दाम है, और जो हम लोगों ने असली में उसकी कीमत लगाई है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसी को हम गुडविल मानते हैं। जैसे सपोज करो आप कोई बिजनेस खरीद रहे हो और उसकी कीमत लगाई आपने 10 लाख रुपए या 10 करोड़ लगाई आपने, और असली में उसके जो एसेट्स वगैरह है वो सिर्फ 9 करोड़ के, तो गुडविल कितना हो गया, गुडविल हो गया हमारा 1 करोड़। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। ठीक है, फिर है इट हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द फ्यूचर टर्नओवर एंड प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। हमेशा याद रखना ये जो है पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाता है बिजनेस के ऊपर। अब आती है बात, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी क्या खूबियां क्या है। पहली बात तो ये है कि अभी हमने पढ़ा ये इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आता है, मतलब ये हमें दिखाई नहीं देता। दूसरी बात, इट इज अ वैल्यूएबल एसेट, इसकी वैल्यूएशन की जाती है और इसकी कीमत लगाई जा सकती है। ठीक है, तीसरा, इट कंट्रीब्यूट्स टू द अर्निंग ऑफ एक्सेस प्रॉफिट, ये हमेशा ज्यादा कमाने में मदद कर। कभी भी आप देखना जब गुडविल होती है ना किसी भी चीज की, तो वो आपको ज्यादा कमाने में हेल्प कर। ठीक है, फिर चौथा है, इट्स वैल्यू इज लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, गुडविल की जो वैल्यू है ये हमेशा बदलती रहती है। जैसे मतलब अगर उसने अच्छा नाम कमाया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और उसका कहीं भी डैमेज होगा, नाम खराब होगा, तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, फिर पांचवा पॉइंट आता है, इट्स वैल्यू इज ओनली रियलाइज्ड व्हेन अ बिजनेस इज सोल्ड और ट्रांसफर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें बोला गया है कि गुडविल की वैल्यूएशन, गुडविल के पैसे आपको तभी मिलते हैं जब उसको बेचा जाता है या ट्रांसफर किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई बहुत बड़ी दुकान है और बहुत अच्छा नाम कमा रखा है उसका, और मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो जब मैं उसे खरीदूंगा तभी तो गुडविल की वैल्यू मिलेगी उसको, नहीं तो अगर वो बेच नहीं रहा है तो उसकी गुडविल की वैल्यू मिलेगी नहीं, क्योंकि ये तो इंटेंजिबल है। उसने नाम कमाया है और नाम का तभी फायदा होगा जब वो बेचेगा या ट्रांसफर करेगा। अगर अपने पास ही रखा हुआ है तो उससे कोई फायदा नहीं है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया अग्रवाल स्वीट्स, अब अग्रवाल स्वीट्स की जो दुकान है मान लीजिए उसकी दुकान की कीमत सपोज करो 1 करोड़ है, तो उसके लिए तो 1 करोड़ ही रहेगी जब तक वो किसी और को ना बेचने लगे। अब मान लो किसी और को बेच रहा है तब तो वो बोल सकते हैं कि मैं 2 करोड़ लूंगा या 3 करोड़ लूंगा, लेकिन जब उसी के पास खुद रहेगी तो कहाँ से लेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि जब भी हम इसको बेचते हैं या ट्रांसफर करते हैं तभी इसकी कीमत हमें प्राप्त होती है। फिर एक और है, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल एंड इट विल ऑलवेज इन्वॉल्व एक्सपर्ट जजमेंट। देखिए गुडविल की कीमत लगाना आसान काम नहीं। ठीक है, कभी भी आप गुडविल की कीमत आपको मार्केट के हिसाब से देखना पड़ता है कि आपकी कीमत कितनी है, आपकी वैल्यू कितनी बढ़ी है, लोगों के मन में आपके नाम पे कितना गुडविल जनरेट हुई, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल काम है और एक्सपर्ट जजमेंट की जरूरत होती है।
और इस चैप्टर में आज हम जो पढ़ेंगे न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे फॉर्मूले की मदद से एक्सपर्ट जजमेंट से एंड देयर कैन बी इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी फॉर द क्या बोल रहे हो सर गुडविल की कैलकुलेशन एस्टिमेटेड होगी या फिर एग्जैक्ट वैल्यू होगी देखो एस्टिमेटेड होती है गुडविल की कीमत जब भी हम गुडविल निकालते हैं तो जो सेलर है जो बेच रहा है गुडविल या अपनी बिजनेस को वो और मैं जो खरीदार है दोनों मिलके आपस में डिसाइड करते हैं कि किस तरह से उसकी कीमत लगाई जाए ठीक है तो बेसिकली जो सेलर होता है वो अपने हिसाब से लगाता है कि भाई मैं इतने रुपए लूंगा और मेरी बिजनेस की कीमत 1 करोड़ है मैं आपसे 1.5 करोड़ लूंगा अब देने वाले के ऊपर है कि वो देना चाहता है कि नहीं देना चाहता तो जो गुडविल की जो वैल्यूएशन है ये वैल्यूएशन की जाती है और ये सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट होती है मैं क्लियर नाउ लास्ट पॉइंट है देयर कैन बी इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखो पर्सनल एबिलिटी होनी चाहिए जैसे मान लो कोई बिजनेस चला रहा है तो उसकी कितनी एबिलिटी है उसके हिसाब से गुडविल जनरेट होती है अगर खुद अच्छा बिजनेस चला रहा है तो फिर गुडविल ऑटोमेटिकली जनरेट होती है अब लास्ट में ये सवाल आता है बच्चों के दिमाग में कि भाई गुडविल की जरूरत क्यों है सर मतलब गुडविल निकालने की जरूरत क्या है तो देखिए इसकी कई रीजन है और कई कई वजहों से गुडविल को निकाला जाता है अब आप सोच रहे होंगे कि सर गुडविल की जरूरत क्या है बिजनेस चल रही है तो चलने दो ना तो फिर हमें गुडविल की जरूरत क्यों पड़ती है तो देखिए क्यों क्यों पड़ती है सबसे पहली जरूरत हमें पड़ती है व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न देखो हमने 11th में पढ़ा हुआ है कि बिजनेस जो है गोइंग कंसर्न होती है मतलब कभी खत्म नहीं होती तो इसीलिए बिजनेस बंद तो होती नहीं है तो कई बार क्या होता है कि कोई बिजनेसमैन अपनी बिजनेस को बंद करके मतलब वो चाहता है ट्रांसफर करना कि किसी और को बेचना चाहता तो जब वो बेचेगा तो उसने इतने साल मेहनत की है तो उसके बदले वो एक्स्ट्रा चार्ज करता है सेलर से बोलता है कि भाई मैंने इतना मेहनत किया मैंने नाम कमाया मुझे इतने पैसे चाहिए तो जब कोई बिजनेस को बेचा जाता है ना तो गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है तभी जाके गुडविल निकाला जाता है और उसको बेचा जाता है अब जैसे मान लो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और 10 साल से बिजनेस कर रहा है और उसने अपने पूरे इलाके में नाम कमा लिया तो जो भी आदमी उसकी बिजनेस खरीदेगा डे वन से कमाना शुरू कर देगा क्योंकि उसके कस्टमर बने हुए पहले के पुराने कस्टमर तो इसीलिए वो ना अपने गुडविल की बोली लगाएगा और कई साल तक उसके बदले कमाने की कोशिश करेगा ठीक है तो क्योंकि वो इमीडिएटली कमा रहा है इसीलिए अगर 1 करोड़ की दुकान है तो वो 1.5 करोड़ में भी लेने में उसको कोई नुकसान नहीं है क्योंकि इमीडिएटली उसके कस्टमर बन जाएंगे और पहले दिन से ही कमाना शुरू कर देगा और अगर वो कोई नई दुकान खरीदता है नई बिजनेस स्टार्ट करता है तो कस्टमर बनाने में कई बार 10 साल लग जाते हैं और फिर ये भी नहीं पता कि कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे बहुत मुश्किल होता है शुरुआती स्टेज में आपको लॉस भी उठाना पड़ेगा कई साल तक तो इसीलिए कई लोग क्या है पुरानी बिजनेस खरीदते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार होते हैं वही गुडविल है और इसीलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है दूसरा है व्हेन द बिजनेस इज एमलगमेटेड विद अनदर फर्म कई बार क्या होता है स्टूडेंट एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ एमलगमेट मिल जाती है तो उसको हम बोलते हैं तब भी गुडविल की जरूरत पड़ती है जैसे मान लो दो बिजनेस एक साथ मिलने वाली है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि गुडविल की कीमत लगाई जाती है क्योंकि दोनों एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीद रहा होता है तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में गुडविल की जरूरत पड़ती है फिर नेक्स्ट है व्हेन बिजनेस इज कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी कई बार क्या होता है कि बिजनेस जो है प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होता है तो उस समय उसकी वैल्यूएशन की जाती है गुडविल की कीमत लगाई जाती है और एक और है व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कई बार क्या होता है पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस लाना चाहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में भी गुडविल की जरूरत होती है एक और है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है तो गुडविल की जरूरत होती है क्योंकि जब नया पार्टनर आता है तो उससे फालतू पैसा लिया जाता है कि भाई तू आज ज्वाइन कर रहा है हम इतने साल से बिजनेस कर रहे थे तो उसके वजह से तू एक्स्ट्रा जो कमाएगा आते के साथ ही डे वन से ही कमाना शुरू कर देगा हिस्सेदारी लेगा उसके बदले उससे हम गुडविल लेंगे तो ये तब जरूरत पड़ती है और जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई रिकंस्ट्रक्शन होता है नया पार्टनरशिप बनाई जाती है तो ऐसे में भी स्टूडेंट्स गुडविल की जरूरत पड़ती है क्योंकि जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके जो हिस्सा होता है फॉर्म के गुडविल में उसके हिस्से को बांटा जाता है पार्टनरों जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके रिलेटिव को दिया जाता है इसीलिए ऐसे सिचुएशन में गुडविल की जरूरत पड़ती है ठीक है तो ये तो रहा थ्योरेटिकल पोर्शन और थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है आपके लिए तो मैं आपको आज उसका लिंक भेज दूंगा तो थ्योरी वाला पोर्शन बहुत डिटेल में मैंने वहां पे डिस्कस किया है तो वहां से आपको 20-25 मिनट की वो है तो वो आपको देख लेना है ठीक है अब हम आ जाते हैं सीधा टॉपिक पे ठीक है अब हम सीधा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे देखिए जो हाँ बोलूं
एक बार सेकंड पॉइंट समझा दो. ठीक है, ये वाला व्हेन द बिजनेस इज एमलगमेटेड. यस सर. देखो क्या होता है ना कि कई बार एक बिजनेस को लगता है जैसे कंपटीशन हो जाता है, कई बार एक बिजनेस की दूसरी बिजनेस के साथ, तो एक बिजनेस जो बड़ी वाली होती है ना वो छोटी वाली बिजनेस को अपने अंडर में ले लेती है कि तू मेरे साथ मिल जा और हम दोनों मिलके काम करते हैं. ठीक है, तो जब वो उसकी पूरी बिजनेस को ही ले लेती है और अपने में मिला लेती है उसको, तो उसको हम बोलते हैं अमलगमेशन. तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे अमलगमेशन होता है, ऐसे सिचुएशन में बिजनेस को, जैसे मान लो आप एक बहुत बड़ी कंपनी हो और एक दूसरी छोटी मोटी बिजनेस है या कंपनी, तो जब आप उस कंपनी को लोगे तो आप उस कंपनी को लेते समय उसकी कीमत का पता चलना चाहिए ना कि कितने की कीमत है उसकी. तो ऐसे में गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है. समझ में आया बेटा? यस सर. ठीक है, तो बस इतना ही है. अब आप देख सकते हो यहाँ पे, अब हम आ जाते हैं सीधा फॉर्मूले पे. देखो गुडविल निकालने के ना वैसे तो तीन मेथड है. तो पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो ये जो दोनों देख रहे हो ना, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड के दोनों पार्ट हैं, अलग अलग से दिया हुआ है. तो पहला है मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड. तो एक एक करके हम आज पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे, परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. ठीक है, तो आप देखोगे आपके जो शुरू के जो न्यूमेरिकल्स हैं, परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है. तो जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया ये प्योरली जजमेंट के बेसिस पे होता है. तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब जजमेंट किया जाता है तो कौन सा मेथड यूज करना है, ये पार्टनरशिप फॉर्म डिसाइड करती है. राइट, ये फॉर्म को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा तरीका वो लोग अपनाएंगे. तो ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड मैं ये खोल रहा हूँ. ये देखिए, ये है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. तो ये आज हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं आपको एक बार गुडविल का फॉर्मूला और उसका कंसेप्ट समझा देता हूँ. तो देखिए सबसे पहले ना गुडविल जब आपको निकालना होता है तो गुडविल जो है हमारा, गुडविल आप देखिए यहाँ पे, गुडविल का जो फॉर्मूला है, देखिए ये कई सारे मेथड है. एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक है कैपिटलाइजेशन मेथड. तो इसका जो गुडविल का जो मेथड है, देयर आर थ्री मेथड्स बेसिकली. मेथड इसके तीन है और वो हम लोगों ने डिस्कस किया. पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड. मैं लिख देता हूं एवरेज प्रॉफिट मेथड. दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है स्टूडेंट कैपिटलाइजेशन मेथड. ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड. देखिए इसमें मेथड से यहाँ पे ये मतलब है कि जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी मतलब बदलाव किया जाता है, सपोज करो गुडविल निकालने, तो आप इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते. तो अगर मान लेते हैं कि देखिए जैसे दिखा रहा हूं मैं, इसमें भी अगर आप देखेंगे ना तो एक जो है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है इसमें. सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. ठीक है, और दूसरा जो इसमें आता है स्टूडेंट, ये आता है नॉर्मल प्रॉफिट मेथड. तो आज हम लोग पहले ना इसको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग सीखेंगे. ठीक है, इसमें एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है और एक आता है दूसरे नंबर पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो आज हम लोग इसके बारे में सिर्फ सीखेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. ठीक है, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का पहले फॉर्मूला मैं बता देता हूँ. गुडविल सिंपल, इसको नोट कर सकते हो आप, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट कर लो. एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. एवरेज प्रॉफिट प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज.
अब सबसे पहले देखो कैसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, जैसे मान लो पिछले चार साल का प्रॉफिट है तो हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। बिजनेस आपको क्वेश्चन में ये बोलेगा कि पिछले चार साल या पांच साल का जो प्रॉफिट है वो इतना है, तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाओगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ जितने भी प्रॉफिट्स हैं। जैसे मान लो चार साल का प्रॉफिट भी है तो हम चार साल का प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑफ इयर्स, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए तौर पे बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए चार साल का प्रॉफिट दिया है एक्स वाई जेड और ए, मान लो चार साल का प्रॉफिट है, तो मैं एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, चारों साल के प्रॉफिट को ऐड कर दूंगा और जो भी मेरा सम आएगा उस सम का डिवाइड कर दूंगा फोर से, मेरा एवरेज निकल आएगा। रही बात नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को डाउट करता है कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज है क्या। देखिए नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मतलब होता है कि जब आप कोई बिजनेस खरीदते हो, तो जैसे मान लो मैं कोई भी एक बहुत बड़ी बिजनेस खरीद लेता हूँ और उसके बदले गुडविल की वैल्यूएशन की जा रही, तो मैं जैसे ही खरीदूंगा मैं चार पांच साल तक उसकी कमाई उसके नाम की वजह से कई साल तक लगातार कमाता रहूंगा। तो जो भी सेलर है और परचेजर है ये दोनों आपस में मिलकर तय करते हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या रहेगा। मतलब जो हम लोग ये टोटली डिसाइड करते हैं सेलर, जो सेलर है ना वही तय करता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज वो रखना कितना चाहता है। वो इसको कुछ भी रख सकता है, पांच साल, आठ साल, दस साल, ठीक है। तो वो खुद डिसाइड करेगा कि इसका नंबर ऑफ ईयर्स कितना रखना चाहता है। तो ये क्वेश्चन में हमेशा आपको गिवन होगा, याद रखना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमेशा गिवन होगा। ये वो अमाउंट, वो ये नंबर ऑफ ईयर्स है जो आप लगातार कमा सकते हो किसी बिजनेस को खरीदने के बाद, ठीक है। तो अब हम न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं और मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले ना आपको फॉर्मूला सीखो। फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट समझ में आ गया, जितने साल का प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर, सम कर दो और उतने से डिवाइड कर दो तो एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। और नंबर ऑफ ईयर परचेज वो ईयर होता है जो हम लगातार कमा सकते हैं किसी बिजनेस को खरीदने के बदले। जैसे मान लो मैं कल को अग्रवाल स्वीट्स की दुकान मतलब उसे परचेज कर लेता हूँ तो मेरे कस्टमर सीधा बन गए, तो अगर मैं खराब भी बेचूंगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे सारे कस्टमर पहले दिन ही भाग जाएंगे। हो सकता है मेरे पुराने कस्टमर खरीदे, मिठाई खराब हो तो बोलेंगे यार ये तो बेकार बना रहे हैं, फिर अगली बार भी पलट के आएंगे। तो मैं कितने साल तक इसके नाम के बदले कमा सकता हूँ, दो साल, तीन साल, चार साल, तो उसी को नंबर ऑफ इयर्स परचेज कहते हैं। तो जब गुडविल को फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है तो नंबर ऑफ ईयर परचेज भी कंसिडर किया जाता है और जो सेलर है वो तय कर देता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना रहेगा। तो हमेशा याद रखना क्वेश्चन के अंदर ही आपको ये गिवन रहेगा कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है कितना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे करना है इस क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। अब देखो यहाँ पे 3 years परचेज आ गया ना स्टूडेंट, तो ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है जो मैंने हाईलाइट किया ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट, और पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। Profit of the firm for the last 4 years were this, this, this and this. कह रहा calculate the amount of goodwill. कह रहा goodwill calculate करके बताओ। तो ऐसे में मैं question number one को कैसे solve करूँगा? देखिए question number one. इसको solve करने के लिए मेरे पास given क्या क्या है? मेरे पास given है given profit of 4 years. प्रॉफिट ऑफ 4 years दिया हुआ है और दूसरा क्या दे रखा है मुझे, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब आप देख सकते हो नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस हमें कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस दिया हुआ है 3, साफ साफ दिया हुआ है और हमेशा आपको ना ये गिवन रहेगा, ठीक है। तो अब आपसे बोल रहा है गुडविल निकालो, तो गुडविल का फॉर्मूला लगा देते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सीधा सीधा ही लिख दो, गुडविल
इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देते हैं, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है। अब आप एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ये निकालने के लिए आपको 4 साल का प्रॉफिट आपको ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो आप बुक में इसी में देखो क्वेश्चन में, 4 साल का एवरेज कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है, मन में निकाल लो 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000, तो ये एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाल देंगे। तो इसको एवरेज प्रॉफिट को कैसे निकालोगे, ये आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो 12, 18, 16 और 14 15,000, ठीक है। मैं वैसे कर देता हूँ, 40,000 आ रहा है सर, देखो 12,000 45, ठीक है, 12,000 प्लस जितना भी प्रॉफिट है ना इसको आप जोड़ते जाओ। तो कई बच्चों ने इसको जोड़ लिया सर, 60,000 आ रहा है सर, 60,000 आ रहा है, 4 साल का प्लस 60,000 आ रहे हैं, हाँ सर, ठीक है ना, यस मैं डायरेक्ट देता हूँ, 60,000 डिवाइडेड बाय कितने साल का प्रॉफिट था, 4 साल का ना, 4, ठीक है। अब इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ये तो हमारा आप देखो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आ गया, इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो इसको सॉल्व कर लो, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे कितना आ गया हमारा एवरेज, तो हमने निकाल दिया, तो एवरेज हमारा आ गया 15 और इनटू 3, तो हमारा जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स गुडविल तो सीधा सीधा निकल के आ जाएगी। तो आपको यही तरीका अपनाना है, इसमें बहुत ही इजी है ये चैप्टर। तो हमने 45,000 गुडविल निकाल दी। तो मैंने क्या किया, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगा दिया नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जितने साल का प्रॉफिट दिया है ना उनको प्लस करके और उतने ही साल से डिवाइड कर, तो 4 साल का प्रॉफिट दिया था और प्रॉफिट कितना था, 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000, तीनों को प्लस करने पे 60,000 आया, मैंने डिवाइड कर दिया 4 से, तो मेरा एवरेज निकल गया। और नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमेशा गिवन होगा स्टूडेंट, ध्यान रखना, तो इनटू कर देंगे तो 45,000 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर आई होप सबको आ गया होगा, अगर किसी को पूछना है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, ओके। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखो ये सिर्फ समझा रहा हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस करोगे होमवर्क में। देखो क्वेश्चन खाली समझ लेते हैं, कह रहा प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर्स एंडिंग 31st मार्च आर एज फॉलोज, पिछले 5 साल का प्रॉफिट है, पहले साल का प्रॉफिट है 4 लाख, दूसरे साल का प्रॉफिट है 3,98,000, फिर 2019 का प्रॉफिट है 4,50,000 और फिर है 4,45,000 और पांचवें साल का प्रॉफिट है 5 लाख। कह रहा गुडविल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, 4, और एवरेज कितने साल का लेना है, 5 साल का। तो गुडविल का फॉर्मूला लगाने के लिए वही फॉर्मूला लगा दो, गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ये 5 ईयर का जो प्रॉफिट है ना, अब तक कई बच्चों ने जोड़ भी लिया होगा, इसको ऐड कर दो और 5 से डिवाइड कर दो तो एवरेज निकल जाएगा। जैसे ही एवरेज निकलेगा इनटू कर देना 4 से, तो आपका क्या आ जाएगा, गुडविल। आई होप सबको हो जाएगा सबसे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। कह रहा है पिछले 5 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे आपको गुडविल निकालना है। तो पहले ये देखो, जरूरी नहीं है बेटा हर साल प्रॉफिट हो। अब जैसे 2018 में देखो लॉस हो रहा है, ध्यान रखना जल्दी जल्दी में कहीं प्रॉफिट मत दे देना, ब्रैकेट में लॉस लिखा हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लगा देना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखो आप भी साथ में सॉल्व करते रहो। तो फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू वही नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, फॉर्मूला तो वही रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ पे ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सीधा जो पिछले कितने साल का प्रॉफिट दे रखा है, 5 साल का प्रॉफिट है ना, इसको कैलकुलेटर की मदद से मैं जोड़ देता हूँ और एवरेज मंथली निकाल लेता हूँ। तो यहीं पे जोड़ के दिखा रहा हूँ आपको, फटाफट आप भी देख लीजिए कितना है, पहले साल का प्रॉफिट 8 लाख, ठीक है, प्लस कर देते हैं, प्लस
15 लाख प्लस 18 लाख, ये देखिए ठीक है 18 लाख लिख रहा हूं, माइनस 4 लाख, ये लिख दिया माइनस 4 लाख है, ध्यान रखिएगा माइनस 4 लाख प्लस 13 लाख, प्लस 13 लाख ये हो गया। तो मेरा टोटल आया है बेटा कितना 50 लाख, कितना आ गया मेरा टोटल, मेरा टोटल आ रहा है 50 लाख है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 50 लाख लिख देता हूँ, 50 लाख डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ इयर्स है 5 इयर्स, तो मेरा एवरेज निकल गया है ना, नॉर्मल एवरेज मेरा निकल गया। और इसमें क्या करूंगा इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो आप देख सकते हो इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना दिया हुआ है, बताएंगे जरा मुझे। हाँ जी स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, तो हमें कितना दिया हुआ है 3 इयर्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 साल लिख देंगे ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आप देखो यहाँ पे परचेज है क्या, मैंने बताया था ना बेटा नंबर ऑफ परचेजेस क्या है, फिर से बताऊं एक बार से ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो मान लो मैं ना एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है नजफगढ़ में और बहुत ही चल रही है, मतलब सबसे ज्यादा लोग वहीं से टीवी रेफ्रिजरेटर खूब खरीद रहे हैं ठीक है, और उसने अच्छा खासा मतलब कभी ना चीटिंग नहीं करता, बेमानी नहीं करता। तो मैंने क्या किया, मैंने उससे दुकान खरीदी, मैंने उसकी दुकान की असली में कीमत थी 5 करोड़। तो जब मैं उसे खरीदने गया तो उसने बोला कि भाई मेरे जो बिजनेस की कीमत 5 करोड़ है जब हमने कैलकुलेशन किया, लेकिन उसने बोला कि मैंने इतना नाम कमाया कई साल से नजफगढ़ में काम कर रहा हूँ, तो आप कई साल तक कमाओगे मेरे वजह से और पहले जितने ही कमाने लगोगे। तो हम दोनों ये डिसाइड करेंगे कि मैं मन में कैलकुलेट करूंगा कि अगर मैं आज इसकी दुकान खरीदता हूँ तो अगर मैं खराब काम भी करूंगा तो इसके वजह से जो इसका नाम है उसके वजह से मैं कितने साल तक लगातार प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो ये अंदाजा लगाएंगे कि भाई 4 साल 5 साल 8 साल 6 साल, तो उसी को नंबर ऑफ इयर्स परचेज कहते हैं। आ गया समझ में? यस सर। क्योंकि अगर मैं दुकान दुकान गूगल वगैरह हाँ बोलो क्या गूगल फेसबुक वगैरह है इससे क्या एस्टिमेट तो मतलब कि काफी लंबा लगेगा एस्टिमेट लगेगा बिल्कुल देखो बिल्कुल लगेगा। आप जैसे मान लो फेसबुक है, अब फेसबुक के मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, अगर मान लो कल को कोई फेसबुक खरीदता है तो फेसबुक के जो बहुत सारे एसेट्स हैं उसके ऑफिसेस हैं बिल्डिंग्स हैं उन सब की कीमत लगाई जाएगी, इसी तरह से उसके लायबिलिटीज की कीमत लगाई जाएगी कि कितना क्रेडिटर्स हैं। मान लो सबको प्लस माइनस करने के बाद मान लेते हैं कि 1,50,000 crores की कीमत लग गई, कितनी लग गई 1,50,000 crores की कीमत लग गई, तो फॉर्म जो है वो अपने गुडविल की कीमत ज्यादा भी तो बताएगी क्योंकि उसे एक्स्ट्रा कमाना है। और मुझे भी पता है कि अगर मैं फेसबुक खरीद लेता हूँ तो अगर मैं खराब भी करूंगा बिजनेस, मतलब अगर अच्छे से मैनेज नहीं भी कर पाऊंगा तो कई साल तक उसका पुराना जो नाम चल रहा है उसके वजह से मेरे कस्टमर जुड़े रहेंगे, तो वही के बदले नंबर ऑफ इयर्स परचेज निकाला जाए। और ये टोटली जो है अजम्पशन बेस्ड, इसलिए आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, सपोज करो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो हम एवरेज प्रॉफिट क्या लेते, हम नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या लेते। इसके लिए रूल ये बनाया गया है कि जितने साल का प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालो। जैसे यहाँ पे कितने साल का प्रॉफिट है, 5 साल का प्रॉफिट है ना, तो 5 का एवरेज कितना होता है 2.5, मतलब आधा कर दो, एवरेज नहीं हाफ कर दो, नंबर ऑफ इयर्स जो दे रखे हैं प्रॉफिट के उनको हाफ कर दो, अमाउंट मत लो। जैसे मान लो 10 साल दे रखा है तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 आएगा, 8 साल दे रखा है तो 4 साल आएगा, अगर नहीं दे रखा होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज तब बता रहा हूँ। 99% क्वेश्चनों में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहे। Am I clear now? Yes, sir. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ये तो हो गया हमारा 10 लाख ठीक है, और इंटू हमने कर दिया है यहाँ पे 3, तो हमारा जो आंसर आया बेटा ये आ गया हमारा 30। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने ठीक है, ये हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कितना हो रहा है 30 लाख ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4, आई होप आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कह रहे हैं अनु बाबी और चेतन ये जो है प्रॉफिट्स बांट रहे थे, इन्होंने डिसाइड किया है कि
वन फिफ्थ के लिए नया पार्टनर आएगा, मैंने बताया था ना आपको जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो ऐसे में आपको गुडविल निकालना पड़ता है। अब ये कह रहा है कि फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस थ्री और फोर ईयर व्हिचएवर इज हायर। कह रहा है पिछले चार साल या तीन साल लेने के बाद जिसका भी एवरेज ज्यादा आएगा उसी को फॉर्मूले में लगाना है। तो देखो हमारे को चार साल का भी, पिछले चार साल का भी दिया है, पिछले पांच साल का भी दिया है। तो जब पिछले चार साल तीन साल की बात कर रहा है तो पिछले तीन साल कौन से होते हैं, 2018, 2019 और 2020। कौन सा होता है पिछले तीन साल, कौन से होंगे बताइए? पिछले तीन साल होंगे 2019। वेरी गुड। तो पिछले तीन साल का एवरेज निकाल लेना बेटा रफ में, और इसी तरह से पिछले चार साल का एवरेज क्या क्या होगा, 2021, 20, 19 और 18 रफ में निकाल के देखना किसका एवरेज ज्यादा आ रहा है। जिसका भी एवरेज ज्यादा आएगा ना उसी को फॉर्मूले में पुट कर। एम आई क्लियर? जैसे मान लो पिछले तीन साल का एवरेज मेरे को निकालना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200, इन तीनों का एवरेज निकाल लेता हूँ। अब मेरा कुछ तो एवरेज आएगा। अच्छा इसी तरह से अगर मैं चार साल का एवरेज निकालूंगा तो ये चारों साल लेके डिवाइडेड बाई फोर कर दूंगा। अब देख लूंगा कि किसमें ज्यादा आ रहा है, जिसमें भी आएगा उसको नंबर ऑफ इयर्स परचेज से इंटू कर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, इसको ट्राई करना है। यस सर। और मैं उम्मीद है मुझे कि आसान है, एकदम कर लोगे आप। अब फिफ्थ वाला भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 years परचेज। देखो नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है, 1.5, यानी कि 1.5 लिख लेना। एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वॉज दिस, सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस द प्रॉफिट। अब कह रहा है पहले साल का प्रॉफिट 1,00,000 है, अच्छा दूसरे साल का कह रहा है कि प्रॉफिट जो है पहले साल से डबल है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा 2,00,000। तो पहले साल का प्रॉफिट 1,00,000 लिख लो, दूसरे साल का प्रॉफिट 2,00,000, और कह रहे हैं थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो 1.5 times द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर होगा। अब सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना आया था, 2,00,000, तो 2,00,000 का 1.5 कितना होता है, 3,00,000। तो पहले साल का प्रॉफिट आ गया 1,00,000, दूसरे साल का 2,00,000 और तीसरे साल का 3,00,000। अब आपको फॉर्मूला लगा देना है, तो तीनों को प्लस करोगे तो गुडविल निकल आएगा, एवरेज निकल आएगा और फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो यही होमवर्क है, 1 to 6 दे रहा हूँ, आप इतना ट्राई करो। जो भी क्वेश्चन नहीं आएंगे आपसे अगली क्लास में हम लोग बैठ के इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे क्लास में, ठीक है। और ट्राई जरूर करना है, नहीं करोगे तब नहीं आएगा, और करोगे तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ना आया, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल बी सॉल्विंग दीस क्वेश्चंस, दैट्स इट। और मैं एक लिंक भेजूंगा, उसमें थ्योरी और अच्छे से समझा रखा है मैंने, तो वहां से आप देख ले, ठीक है। लिख लो होमवर्क सर। हाँ सर, क्वेश्चन 4 में 1/5 शेयर का कोई यूज होगा? 1/5 शेयर नहीं, इसका कोई यूज नहीं होगा बेटा। नहीं 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 नहीं, ये तो खाली ये बता रखा है कि नया पार्टनर आया, बस इसका कोई यूज नहीं है। बस बुक वाले ने ये बोला कि नया पार्टनर आया, इसकी वजह से हमें मतलब गुडविल निकालना पड़ा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। इतना कर लो, ठीक है, और एग्जांपल भी नोट कर लो जल्दी जल्दी। एग्जांपल नंबर 2 करना है, सिर्फ एग्जांपल 2 करेंगे, ठीक है। यू विल बी सॉल्विंग ओनली एग्जांपल 2, इसके अलावा और कुछ मत करना है, एग्जांपल 2 ही करना है, ठीक है। इतना करके और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।